अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया है उसके बेसिस पे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना इसलिए आवश्यक है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो बरकरार रहे। केवल कंटेंट के अध्ययन से जो है हमारा टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस जो है वो अपना कंटिन्यू करना होगा। हमें डेली के रूटीन में जो है वो प्रश्न अपने किसी भी तरीके के कहीं से भी संचार के अगर प्रश्न आपको मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं उनको बैक ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व आपको करना ही चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपका जो एक तैयारी हो आप जो कर रहे हैं उसका तैयारी का एक बहुत ही बेहतरीन आयाम आपके सामने निकलेगा। तो अभी मैं कुछ जो हमने अभी तक पढ़ा है मैं बेसिकली उनमें से ही आपको कुछ प्रश्नों को जो है वो तैयार कराने की कोशिश करती हूँ। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम छांट करके करते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज में हम करते रहेंगे वो अलग है। हमने अभी जो पढ़ा है हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को जो है वो अभी करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से लिखित संचार का भाग नहीं है, चार्ट और डी घोषणाएं। ठीक है, प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से लिखित संचार का भाग नहीं है। तो हमने जितना अभी तक पढ़ा या हम न भी पढ़े अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो पत्र जो है वो जो लिखित संचार होता है उसका भाग होता है। हम लिखते हैं तभी जो है वो पत्र हम कहीं पे या किसी के लिए हम लिख पाते हैं। ईमेल की बात करें तो अगेन ये भी रिटन फॉर्म में होता है, लिखित होता है, भले हम टाइप करके लिखें मेल करें लेकिन हम लोग लिख करके ही अपनी भावनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। देखिए अब ये जो तो जो दो पॉइंट हमारे पास है या जो दो तथ्य हमारे पास है, कंफ्यूजन हमेशा इन्हीं में होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि चार्ट जो है वो लिखित संचार का भाग नहीं होता है, जबकि चार्ट क्या होता है, लिखित संचार का ही भाग होता है। चार्ट भी जो हम लोग बनाते हैं उनमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ऐसे सामग्रियों का प्रयोग करते हैं जिनसे हम लोग लिखित वे में अपना काम करते हैं, यानी कि रिटन जो करिकुलम हमारा है वो इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चार्ट बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्दों को हम लोग प्रयोग में लेते हैं जिनको देख करके सूचनाएं हमें समझ में आती हैं। तो कई लोग जो है वो चार्ट को रिटन नहीं मानते हैं और कई लोग घोषणाओं को रिटन मानते हैं। दोनों में जो है वो डिफरेंस मैं आपको बताऊं, चार्ट जो है वो रिटन के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि चार्ट के अंदर हम कुछ ना कुछ उसमें ऐसे तथ्य भले हेडिंग ही मेंशन करें कुछ ना कुछ हम लोग वहां पे लिखते हैं, तो लिखते हैं का मतलब वो रिटन है। और घोषणाएं जो है हमेशा मौखिक होती हैं, कभी भी कोई घोषणा की जाती है तो घोषणाएं क्या होती है, मौखिक कम्युनिकेशन का भाग होता है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का भाग होता है। तो ये जो हमारे सामने जो तथ्य आए हैं इन तथ्यों में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, घोषणाएं। घोषणाएं जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा घोषणाएं हमारे लिखित संचार का भाग नहीं होती हैं। ये फंसाने वाले क्वेश्चंस इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें हम लोग जो है वो उलझ के रह जाते हैं और क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ एकाध क्वेश्चंस और देखते हैं। शाब्दिक संचार का भाग नहीं है, ए मौखिक, बी समय भाषा, सी लिखित
और डी, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, शाब्दिक संचार का भाग नहीं है। अब इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो शाब्दिक संचार अर्थात ऐसा संचार जिसमें हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा संचार जिसमें हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन आया मौखिक। मौखिक में ऑब्वियसली जब भी हम बोलते हैं हम लोग शब्दों को प्रयोग में लेते ही लेते हैं। समय भाषा की अगर हम लोग बात करें तो समय भाषा में एक बार हम इसको पेंडिंग रखते हैं, लिखित में हम जाते हैं तो लिखित में भी हम लोग जो है वो शब्दों का प्रयोग लेते ही लेते हैं। तो मौखिक में हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, लिखित में हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं। जो समय भाषा होता है, समय भाषा के अंतर्गत मैंने आपको क्लास में अभी पढ़ाया था, लास्ट हम लोग क्लास में ही ये पढ़े थे। समय भाषा के अंतर्गत हमारे तीन पहलू जो है वो क्रियान्वित होते हैं। पहला होता है हमारा स्थान, दूसरा होता है समय, और तीसरा होता है हमारा भौतिक जो वातावरण है उस समय का वो। तो हम लोग बेसिकली उस समय अशाब्दिक संचार कर रहे होते हैं जब भी हम समय भाषा का प्रयोग करते हैं। स्थान के लिए हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, समय के लिए हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, और पर्यावरण जो हमारा भौतिक पर्यावरण है या जो वातावरण है जिसमें हमें संचार करना है उसके लिए भी हमें समय की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारा जो समय भाषा है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा समय भाषा जो है वो शाब्दिक संचार का भाग नहीं होता है, ये हमारे अशाब्दिक संचार का क्या होता है, भाग होता है। नेक्स्ट आते हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व भाषा पारा भाषा का भाग नहीं है? ए आवाज, आवाज का उच्चावच, समय और डी शब्द दाब। ठीक है, ये हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पारा भाषा का भाग नहीं है, यानी कि पार्श्व भाषा का भाग नहीं है। पार्श्व भाषा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पारा भाषा होती है बेसिकली मौखिक होती है, जिसमें स्वरों को लेकर के, शब्दों को लेकर के, या जो हम अपने मुख से जिसको हम प्रेषित करते हैं हम लोग बेसिकली उस पे जो है वो कंसर्न होते हैं पारा भाषा के अंतर्गत। तो जब हम प्रेषित करने की बात करते हैं और मौखिक रूप की जब हम बात करते हैं तो आवाज जो है वो उससे कनेक्टेड होता है, तो आवाज जो है वो पारा भाषा का भाग है। और आवाज की बात करते हैं तो आवाज में उतार और चढ़ाव, यानी कि आवाज का जो उच्चावच है वो भी इसका भाग होता है। अगेन जब हम आवाज की बात करते हैं, यानी कि मौखिक रूप से जब किसी को कुछ हम कह रहे हैं या किसी के सामने कुछ प्रेषित कर रहे हैं तो शब्द जो है वो उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो शब्दों का जो दाब होता है, शब्द का, देखिए इसमें दो तथ्य आ रहे हैं, एक आ रहा है शब्द और एक आ रहा है दाब। ये जो शब्द है ये शब्द हमारे पास मौखिक संचार वाले भाग से आ रहा है, ठीक है, मौखिक संचार वाले भाग से आ रहे हैं, लेकिन इस शब्द का जो दाब है ये हमारा अशाब्दिक संचार का भाग होता है। दाब को हम कह नहीं सकते हैं, दाब जो है, जो शब्द का दाब है उस दाब को हम कह करके नहीं प्रदर्शित करते हैं,
हम लोग शब्दों के अनुरूप भावनाओं के जोड़ से जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के भावनाओं को समायोजित करके ये दाब क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं शब्दों के साथ। तो जो शब्द दाब हैं ये भी हमारा पारा भाषा का पार्ट होता है, लेकिन समय पे अगर हम लोग चलते हैं तो समय जो है हमारा पारा भाषा का पार्ट नहीं होता है। समय क्या है? समय भाषा का भाग होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो है इसके बारे में डिटेल में ले लिया था। समय क्या है? समय भाषा का भाग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? समय होगा। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनने का भाग कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग है? कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग है, ए कान तक आवाज जाना, बी ध्यान आकर्षित करना, सी प्रश्न का उत्तर देना, डी समझना तथा याद करना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनने का भाग यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग का पार्ट नहीं है, कौन सा एक है? पहला हमने दिया कान तक आवाज जाना। तो जब भी हम सुनने की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी, वो क्या होगा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कान लिखा हुआ है, ठीक है। तो कान तक आवाज जाना ये सुनने का भाग है, या कान तक आवाज जाना जो है वो आवाज जो जा रहा है ये वहां का पार्ट है। देखिए शब्दों की गहनता को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कान तक आवाज जाना, किसी के कान तक आवाज जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुनने का भाग हो गया, ये हमारे कहने का भाग ज्यादा हो गया क्योंकि जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, व्यक्ति के पास से जा रहा है। तो हम इसको जो है वो मौखिक वे में ज्यादा लेंगे, यानी कि कहने के संदर्भ में ज्यादा लेंगे। तो कान तक आवाज आना सुनने का भाग जो है कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है ध्यान आकर्षित करना, सुनने का भाग कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि ध्यान को आकर्षित करने के लिए सुनने के कंपोनेंट्स को यानी कि लिसनिंग कंपोनेंट्स को आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के जो दैहिक भाषा है उनको प्रयोग में लेना है, आपको मौखिक भाषाओं को प्रयोग में लेना है, शाब्दिक संचारों को प्रयोग में लेना है, उसमें सुनना कहीं भी जो है आकर्षण का केंद्र नहीं बनता है। और प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं, प्रश्न का उत्तर देना, यस, ये हमारा जो है वो भाग हो सकता है क्योंकि उत्तर हम तभी दे रहे हैं जब प्रश्न जो है हमने क्या किया है, सुना है, ठीक है।
उत्तर हम तभी देंगे जब प्रश्न को हम क्या करेंगे, सुनेंगे। और डी है समझना तथा याद करना। जब हम सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, लेकिन समझना तथा याद करना नोटिफाई नहीं होगा जब तक कि हम लोग क्या करें, उत्तर नहीं देंगे। उत्तर देंगे तभी तो पता चलेगा कि समझा था और याद किया था। तो समझना और याद करना, देखो ये दो तो वैसे ही आउट हैं, ये दो तो हमारे काम के ही नहीं हैं। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है, लेकिन इन दोनों में भी हमें जो है वो परफेक्ट आंसर को चूज करना है। तो समझना तथा याद करना तब तक कारगर नहीं होता है जब तक कि वो किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो, और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब हमने प्रश्न का उत्तर दिया है, यानी कि जब प्रश्नों का हम उत्तर दे रहे हैं तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमने प्रश्न को सुना, सुनने के बाद ही हमने समझ लिया, याद किया, और उसके उत्तर को क्या कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो है आंसर आपका सबसे सटीक जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। सी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग का भाग क्या है, प्रश्न का उत्तर देना। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी संचार में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो संचार की संपूर्ण प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, वे हैं डैश एवं डैश। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन हमारे पास है, वह और वे, बी तुम और हम, सी मैं और तुम, डी मैं और वो, सॉरी वो नहीं, मैं और वे। ठीक है, ये एक प्रश्न आया, काफी मतलब अलग तरीके का ये प्रश्न है, लेकिन इस तरीके के प्रश्न भी जो है हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी संचार में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो संचार की संपूर्ण प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। वे हैं, कौन है वे, वह और वे, यानी कि हम कोई भी संचार करें और उस संचार में हम वह यानी कि सामने वाले को इंडिकेट करें और उसके सामने वाले जितने लोग हैं हम उनको इंडिकेट करें, यानी कि हम उसको भी कर रहे हैं और उसके सामने वाले बहुत सारे हैं उसको भी कर रहे हैं। तो क्या हम संचार में उनका ही प्रयोग करें? अगर हम सामने वाले को और सामने वाले के सामने वाले को प्रयोग में ले रहे हैं तो संचार फिर हमारे द्वारा कहाँ हुआ? तो हमारे पास अगर हमारा संचार देखा जाए तो वह और वे इसमें शामिल नहीं होंगे। तुम और हम यानी कि हमारा कोई ग्रुप है और तुम
तुम्हारी बात हम लोग कर रहे हैं, तो तुम और हम की अगर बात करते हैं, अर्थात तुमको हम देखते हैं तुम्हारे तरीके से अगर चल रहे हैं और हमारे ग्रुप से तुम्हारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो ये भी एक जो संचार होता है, जो इफेक्टिव संचार है या पर्टिकुलर कोई संचार है, वहाँ पे वर्क नहीं करता है। मैं और तुम, यस, मैं और तुम यानी कि मैं हूँ और तुम हो, हम दोनों के बीच में, ठीक है, मैं हूँ इंडिविजुअल, दैट इज मी एंड दैट इज यू, हम दोनों के बीच में जो संचार होता है ये क्या होता है, इफेक्टिव संचार होता है, और हम दोनों क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा ऑप्शन और आ रहा है, मैं और वे, यानी कि मैं संचार कर रहा हूँ, वे मतलब बहुत सारे लोगों के साथ। तो अगर हम लोग अब इसमें देखिए, संचार की अगर बात करूं तो करेक्ट तो ये भी हो सकता है कि मैं और वे, मैं संचार करूं बहुत सारे लोगों के साथ, तुम संचार करो हम सारे बहुत सारे लोगों के साथ, और तुम संचार करो तुम्हारे सामने और कोई है तो उसके साथ। तो कम्युनिकेशन का भाग तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन अब इनमें से हमें कोई परफेक्ट दो चूज करने हैं जो इफेक्टिव होते हैं, तो इनमें हमारे सामने जो है ये ही पहलू, हमारे सामने सी जो है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। क्या होता है, मैं और तुम, यानी कि मैं और तुम हैं तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है, आगे तक फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, देन फिर तुमसे बनेंगे, मुझसे जो है मैं से हम बनेंगे, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे आएगा मैं और यहाँ पे आएगा तुम, ठीक है, ये हमारा एक और प्रश्न रहा। नेक्स्ट चलिए एक और प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता के किस प्रकार के गुण पर निर्भर करता है। ए, सरल भाषा का प्रयोग, बी लंबे वाक्य का प्रयोग, सी विदेशी शब्द का प्रयोग, और डी जटिल शब्द का प्रयोग। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास आ गए। हमारा प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता के किस प्रकार के गुण पर निर्भर करता है। इस प्रश्न को अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा प्रश्न का फोकस किसके ऊपर है, वक्ता यानी कि जो कहने वाला है, जो कम्युनिकेटर है वो, और उसके अंदर निहित गुण, ठीक है, कौन सा होना चाहिए जब वो मौखिक जो है वो संप्रेषण कर रहा हो, यानी कि जब ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हो तो उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले आया सरल भाषा का प्रयोग, ठीक है, करना चाहिए। लंबे वाक्य का प्रयोग मौखिक में ये भी कर सकता है, विदेशी शब्द का प्रयोग ये भी कर सकता है, और जटिल का शब्द का प्रयोग भी कर सकता है। अगर हम मौखिक संप्रेषण केवल लेते हैं, ठीक है, केवल अगर मौखिक संप्रेषण लिया तो ये चारों ही हम प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिया प्रभावशीलता, यानी कि प्रभावपूर्ण किस तरीके से होगा, इफेक्टिव कैसे होगा।
तो इफेक्टिव अगर हम लोग जटिल शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला कितना जटिल सुनने वाला है। विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अगेन विदेशी शब्द भी हमें नहीं पता कि सामने वाले को आता है या नहीं आता है, तो हम इसको नहीं प्रयोग में लेंगे। लंबे वाक्यों का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो जरूरी नहीं कि सामने वाले के पास इतना समय हो, इतना जो बोलते हैं लिसनिंग कैपेसिटी, जो श्रोताओं का जो एक विवेक होता है या उनकी अपनी क्षमता होती है उनके अंदर है या नहीं है हमें ये भी नहीं पता है, तो लंबे शब्दों का प्रयोग भी हमारे सामने कारगर नहीं होता है। अगर किसी वक्ता को अपना मौखिक संप्रेषण प्रभावशाली बनाना होगा तो उसको सरल भाषा का प्रयोग करना होगा। सरल भाषा का प्रयोग करके वो अधिक से अधिक लोगों तक जो है अपने जो तथ्य हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट हैं या संप्रेषण के द्वारा जो सूचना उनको पहुंचानी है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, वो पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा पहला ऑप्शन, अर्थात सरल भाषा का प्रयोग करके एक वक्ता मौखिक संप्रेषण को क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अशाब्दिक संचार का भाग होता है, अशाब्दिक संचार का भाग होता है पत्र लेखन, बी संकेत, सी भाषण और डी व्याख्यान। ठीक है, अशाब्दिक संचार का भाग होता है यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका भाग कौन सा है ये हमें देखना है। तो पहला दिया गया है पत्र लेखन, पत्र लेखन जो है वो शाब्दिक संचार का ही भाग होता है। हम शब्दों का प्रयोग करके सूचनाओं को क्या करते हैं, इसमें लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये शाब्दिक जो है वो संचार हमारा होता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कट गया। संकेत की हम बात करें तो संकेत जो है हमारा अशाब्दिक होता है। भाषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषण अगेन जो है हम शब्दों का प्रयोग करके मौखिक रूप से जो है वो क्या कर रहे हैं, शाब्दिक संचार कर रहे हैं, तो ये तो अशाब्दिक होगा ही नहीं। और व्याख्यान भी जो है हम विभिन्न तरीके से जो है मौखिक रूप से ही किसी तथ्य को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या हो गया, व्याख्यान हो गया, तो ये भी जो है हमारे अशाब्दिक संचार का भाग नहीं बल्कि शाब्दिक संचार का भाग होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन हमारा बी है, जो हमारा संकेत है ये क्या है, अशाब्दिक संचार का जो है वो भाग होता है, क्योंकि संकेत के अंदर जो है वो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। संकेतों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का, विभिन्न प्रकार के इशारों का, शरीर के अंगों का, विभिन्न प्रकार के स्वर के उतार चढ़ावों का, इस तरीके से जो है हम लोग प्रयोग लेते हैं, तो ये हमारा जो संकेत है वो क्या है, अशाब्दिक संचार का क्या है, एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 8, शाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है,
ए दो, बी तीन, सी पांच और डी चार। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। शाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है शाब्दिक संचार? दो प्रकार का होता है शाब्दिक संचार। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। ठीक है, ये दो प्रकार के ही होते हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे क्या हो गए? सब रॉन्ग हो गए। हमारा जो परफेक्ट आंसर है, शाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है, बिल्कुल फैक्ट बेसिस ये क्वेश्चन था। इसमें कहीं भी कंसेप्ट को इधर उधर नहीं किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में, और इसकी प्रैक्टिस भी जो है हमें रखनी चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक शाब्दिक संचार का स्रोत नहीं है? ए रेडियो, बी टेलीविजन, सी फैक्स और डी चलचित्र। ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक शाब्दिक यहां पे संचार आएगा? संचार का स्रोत नहीं है। तो मौखिक शाब्दिक संचार की अगर हम लोग बात करें, तो जो पहला ऑप्शन है हमारे सामने क्या है? रेडियो। ये है क्योंकि हम मौखिक भी हैं और हम शब्दों को भी उनमें प्रयोग में ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए? मौखिक शाब्दिक संचार हो गया। टेलीविजन, अगेन टेलीविजन भी जो है हमारे सामने मौखिक शाब्दिक संचार के रूप में ही हमारे सामने होता है। जबकि हम फैक्स की बात करें, तो फैक्स जो है वो शाब्दिक संचार तो है लेकिन मौखिक नहीं होता, ये क्या होता है? लिखित होता है, तो ये इसका भाग नहीं है। चलचित्र की बात करें, तो चलचित्र भी अगेन जो है वो शाब्दिक संचार का हमारा भाग होता है। तो हमारे सामने जो हमारा ऑप्शन आया, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा? सी फैक्स जो है वो शाब्दिक, सॉरी मौखिक शाब्दिक संचार का क्या होता है? स्रोत नहीं होता है। और एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, शाब्दिक संचार में शब्दों की प्रयुक्तता होती है। दूसरा,
अशाब्दिक संचार। को पांच भागों में विभाजित किया जाता है। तीसरा, समय भाषा मौखिक संचार का एक अभिन्न भाग है। चौथा, लिखित रूप से संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ये हमारे जो है वो चार पॉइंट्स हो गए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन असत्य है? ए, एक तथा दो। बी, दो तथा तीन। सी, केवल तीन। और डी, केवल चार। चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के काफ़ी अच्छे लेवल पे लेकर के जाएंगे, क्योंकि बहुत तोड़ तोड़ के हम प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात प्रश्न का क्राइटेरिया जो है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं कि कुछ कथन दिए होते हैं, उनको आपको जो है वो देखना होता है, समझना होता है। कुछ कोड दिए होते हैं, कुछ कोड के आधार पर आपको उत्तर देना होता है। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला है तथ्य, शाब्दिक संचार में शब्दों की प्रयुक्तता होती है। यानी कि फर्स्ट जो कथन है इस पे हमें विचार करना है। तो शाब्दिक संचार में शब्दों की प्रयुक्तता होती है, होती है, ठीक है, शब्दों की प्रयुक्तता होती है, इसीलिए हमने उसको शाब्दिक संचार कहा है। अशाब्दिक संचार को पांच भागों में विभाजित किया जाता है। तो अशाब्दिक संचार को पांच भागों में विभाजित किया जाता है, ये सही है या गलत है? ये भी सही है। आपको याद होंगे पांचों भाग, कौन कौन से पांचों भाग हैं? नहीं याद हो तो एक बार एक क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक रिवीजन भी होता रहेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्विक रिवीजन लेते हैं। पांचों भाग कौन से हैं? पहला है श्रव्य संकेत भाषा, दूसरा दृश्य संकेत भाषा, तीसरा दैहिक भाषा, चौथा समय भाषा, और पांचवा है पार्श्व या पारा भाषा। ठीक है, ये पांच भाग होते हैं। तो अगर पांच भाग ये हम लोग देख रहे हैं तो अशाब्दिक संचार को पांच भागों में विभाजित किया जाता है, ये भी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट,
समय भाषा मौखिक संचार का एक अभिन्न भाग है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमारे सामने तथ्य आ गया। समय भाषा मौखिक संचार का एक अभिन्न भाग है। देखिए, इस तथ्य का उत्तर जो है इसके ऊपर वाले तथ्य में है। ऊपर वाले में अभी हमने देखा कि अशाब्दिक संचार को 5 भागों में बांटा जाता है। अब 5 भागों में जो है हमारा एक भाग समय भाषा भी तो है, तो समय भाषा क्या हो गया? अशाब्दिक संचार का भाग हो गया। जब अशाब्दिक का हो गया तो मौखिक संचार तो इसके अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि मौखिक जो है वो शाब्दिक संचार का भाग है। तो समय भाषा मौखिक संचार का एक अभिन्न भाग है, ये तथ्य क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, लिखित रूप से संप्रेषण, यानी कि जब हम रिटन लिखते हैं, संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो लिखित रूप से संप्रेषण की जब हम लोग बात करते हैं और शाब्दिक संप्रेषण की जब हम लोग बात करते हैं, तो शाब्दिक संप्रेषण जो हमारा है उसमें 2 ही भाग हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा क्या होता है? लिखित। यहाँ पे दिया हुआ है लिखित रूप से संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब हमने क्या किया, कथनों पे विचार कर लिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब हम तथ्य पे आते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या है, कौन सा कथन असत्य है या है। तो हमने देखा था पहला जो है हमारा सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है, अर्थात असत्य कथन जो है क्या है? तीसरा है। ऑप्शन में आते हैं 1 और 2, तो ये हमारे करेक्ट ही हैं। 2 और 3, ये ऑप्शन भी हमारे सही हैं। केवल 3 जो है वो क्या है? असत्य है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 3। ठीक है, केवल 3 जो है हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि हम संचार के अर्थात कम्युनिकेशन के कुछ प्रश्नों को, इजी गोइंग प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करें। जो हमने अभी तक पढ़ा हमारी कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी हमने तथ्य पढ़े उन तथ्यों में से जो है ये प्रश्न निकाले गए थे, तो मुझे नहीं लगता किसी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी। और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रह भी गया है तो मैंने इन प्रश्नों को खुद बोर्ड पर लिख करके इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से, तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कम इन 10 प्रश्नों में कोई डाउट या कोई शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आगे चल के हम विशेष रूप से कुछ टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, और आगे की कक्षा में जो है हम लोग संचार को बाधित करने वाले या संचार को रोकने वाले जो भी हमारे जो तथ्य हैं उनको हम लोग जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात संचार किन किन माध्यमों से जो है वो प्रभावित होता है और बाधित हो जाता है, जिससे हमारा जो संचार है वो इफेक्टिवली जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, या हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे जो तथ्य हैं इनको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक अभी तक जितना आपको पढ़ाया है उनको आप लोग रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। कोई समस्या है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ए पत्र, बी ईमेल, सी